में कह रहा है कि सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में देखे ना उसी तरह यहाँ भी करना होगा। चलिए तो इसमें देखिए तो स्वर कौन कौन से हैं, आई है, ई है, ई है, ई है, ई है, चेक कर लेती है, एक दो तीन चार और ये पांच इसमें कुल स्वर है। तो लिखेंगे कि पांच स्वरों को, पांच स्वर कौन कौन है, आई है, ई है, ई है, ई है और ई है, पांच स्वर ये ना है, पांच स्वरों को एक अक्षर मानने पर, एक अक्षर मानने पर, मानने पर कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या, तो कुल अक्षरों की संख्या क्या हो जाएगी, तो आपका टोटल था 12, 12 में से 5 घटा दीजिए और एक प्लस कर दीजिए, यानी आ जाएगा आपका कितना 8, है ना। तो लिखेंगे कि इन 8 अक्षरों को, इन 8 अक्षरों को, अक्षरों को सजाने का तरीका, सजाने का तरीका, 8 अक्षरों को सजाने का तरीका क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल, समझ गए। अच्छा, तथा तथा इन 8 अक्षरों में आप देख रहे हैं कि आपका ये जो एन है वो 3 बार है, अच्छा डी जो है 2 बार है, ई को तो एक साथ ना ले लिए हैं, तो यहाँ भाग करना होगा ना आपको कितना से, तो यहाँ भाग कर देंगे 3 का फैक्टोरियल और 2 के फैक्टोरियल से, ठीक है। अच्छा, इन पांच स्वरों को आपस में सजाने का तरीका क्या होगा, आपस में सजाने का तरीका, सजाने का तरीका तो हो जाएगा क्या, 5 का फैक्टोरियल और बटा में इसमें आ जाएगा कितना, 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि ई जो है ना आपका 4 बार है ना, तो भाग करना होगा। चलिए इसलिए 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 इस प्रकार बने क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, जिसमें सभी सर्व एक साथ है ना, तो ये क्या हो जाएगी, तो 8 का फैक्टोरियल बट्टा में 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और गुना 5 का फैक्टोरियल और बट्टा में 4 का फैक्टोरियल। चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हम इतना ही छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा